रहे थे जिसमे हमने फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके हैं आप चेक कर सकते हैं लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हम इस्टिश करते हैं अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को कि कंपनी के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्लियर हों फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम शॉर्ट वेल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भी केयरफुली प्रिपेयर करते हैं इसका मेन पर्पस फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना होता है कि कंपनी के रिसोर्सेज की कोई भी वेस्टेज ना हो उनका मिसयूज ना हो सो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनेंशियल को फॉर्मुलेट करना कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी डील करती है कि फंड्स कहाँ से कहाब्यूट करें कैसे करे, कैसे करें, करें डिस्ट्रीब्यूट इन बेस्ट पॉसिबल वे यहाँ हम क्लियर कट प्लान बनाते हैं कि कैसे कैपिटल रेज करना है एंड यूज करना है फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाते टाइम हम ध्यान रखते हैं क्या करंट नीड है फंड्स की एंड फ्यूचर में कितनी नीड होगी थर्ड स्टेप है फॉर्मुलेटिंग प्रोसीजर्स फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रोसीजर्स फॉर्म करते हैं ताकि एक्शंस में कंसिस्टेंसी आ सके कि जो पॉलिसीज बनाई है उसे फॉलो भी कर सके लास्ट है प्रोवाइडिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं हम इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी हो ऑब्जेक्टिव्स में पॉलिसीज में ताकि फ्यूचर की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट किया जा सके कि फ्यूचर में क्या पता कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए मिले हमें तो हम उस सिचुएशन में भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग यूज कर सके वो काम आ सके अगर फाइनेंशियल प्लानिंग रिजिड होगी तो फ्यूचर ओपरचुनिटी को कंपनी यूज नहीं कर पाएगी सो so, ये थे स्टेप्स फाइनेंशियल प्लानिंग के आई होप अब आपको क्लियर होंगे सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू